नमस्कार स्वागत है आपका आज तक के साहित्य आज तक 2019 हज़ार उन्नीस के सेशन में जिसमें मेरे साथ तीन खास मेहमान आप मंच पर देख रहे हैं तीनों को आप बखूबी पहचानते हैं चेहरे से फिर भी मैं परिचय तीनों से आपका करवा देता हूं बीच में सबा नकवी हमारे साथ हैं एक बार स्वागत कर दीजिए तालियों के साथ सबा नकवी पत्रकार तो हैं ही लेकिन अपनी किताबों के लिए भी लगातार चर्चा में रहती हैं और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर अपने कॉमेंट्स के लिए भी अक्सर चर्चा में भी रहती हैं और निशाने पर भी रहती हैं बहुत बार तो स्वागत है सब आपका हमारे साथ हैं आशुतोष टीवी का जाना पहचाना चेहरा है राजनीति में ट्वेंटी ट्वेंटी की पारी खेलकर लौटे और वापस अब सत्य हिंदी डॉट कॉम के नाम से उनकी वेबसाइट काम कर रही है खबरिया वेबसाइट है और समाचार के साथ साथ, साथ संदर्भ में रहते हुए विश्लेषण करने का भी काम करते हैं और अक्सर टी पर भी उनको आप देखते हैं मेरे साथ पाँच बजे दंगल में भी आज तक पर आपको दिखाई देते हैं और हाल में उनकी किताब हिंदू राष्ट्र उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे और विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं वो भी टीवी का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं लंबे समय तक परख नाम के कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और फिर एनडीटीवी के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली है और हाल फिलहाल उनकी भी किताब अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई हार नहीं मानूंगा वो भी चर्चा में रही और सबा नकवी की जो किताब है उसका भी आपको एक जिक्र दे दूँ छोटा सा नाम से ही आप समझ जाएंगे शेड्स ऑफ सफरिन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी 2018 की किताब है और हिंदी हिंदी में भी है अभी बिक रही है यहां। अच्छा आप हिंदी में भी वा, वानी प्रकाशन ने हिंदी एडिशन उपलब्ध है और आप चाहें तो उस किताब को यहां से पा सकते हैं आप सवाल राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र देश का कोई धर्म नहीं होता संविधान के अंदर ये बात बड़े साफ तौर पर निर्धारित कर दी गई है कि स्टेट हैज नो रिलीजन लेकिन उसके बावजूद बार बार हम इस सवाल से दो चार होते हैं कि क्या हम एक हिंदू राष्ट्र हैं क्या राष्ट्र का कोई धर्म होता है एक नजरिए से देखें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हिंदू राष्ट्र होना भारत के जनमानस की आकांक्षाओं की चेतना को परिलक्षित करता है ये कहकर इस बात के पक्ष में दलील दी जाती है और दूसरी तरफ से दलील यह आती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है क्योंकि भारत तो एक सेक्युलर नेशन एक सेक्युलर समाज है एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष समाज है तो आज इसी विषय पर चर्चा हम अपने तीनों मेहमानों के साथ करेंगे आशुतोष आपकी किताब का ही नाम है हिंदू राष्ट्र तो मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा और मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र अपने आप में एक, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो 1925 से शुरू हुआ है और उसमें आप हर व्यक्ति को हिंदू साबित करने का प्रयास करते हैं मेरा कहना है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है भारत मुसलमानों का भी देश है जैनों का देश है का देश है, पारसियों का देश है ईसाइयों का देश है और इस देश में रहने वाले तमाम लोग जो किसी ईश्वर में जिनका जिनका विश्वास नहीं है हिंदू राष्ट्र एक अपने आप में एक रिलीजियस कॉन्स्ट्रक्ट है यानी एक धार्मिक संप्रत्यय उसको हम कह सकते हैं उस लिहाज से अगर आप ये कहने का प्रयास करें अगर ये कहने का प्रयास किया जाए कि नहीं यहाँ का रहने वाला हर आदमी हिंदू है तो मुझे लगता है मुझे उस पर गंभीर आपत्ति है हाँ ये कहिए कि इस देश का रहने वाला हर आदमी भारतीय है तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम सब भारतीय हैं हम सब हमारी जो हमारी जो जड़ें हैं हमारी जो संस्कृति है हमारी जो सोच है हमारा रहने का तरीका है वो भारतीय तरीका है हमें उस पर आपत्ति नहीं है लेकिन अगर आप सबको हिंदू बताने का प्रयास करेंगे और उस बहाने आप ये कहेंगे कि नहीं आप अपनी पूजा पद्धति को छोड़ दीजिए आप अपनी पूजा पद्धति को छोड़ दीजिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि भारत का संविधान जब तक सेकुलर है जब तक भारत के संविधान में ये कहा गया है कि यहाँ हर व्यक्ति को हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है वो चाहे जिस तरीके से उसको उसको करे हाँ वो लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है या जबरदस्ती किसी को अपना धर्म नहीं थोप सकता अगर ऐसा करता है तो वो गलत करता है उस लिहाज से मेरा मानना है कि ये एक मिथ है और ये एक प्रोपगंडा है कि भारत हिंदू राष्ट्र